फैसला किया है कि तमाम तर जो रेलवे स्टेशन पे वैक्सीनेशन के बगैर इजाज़त नहीं होगी। तालीमी इदारों में जो है वैक्सीनेशन को क्यों लाजमी करा दिया जा रहा है, खसूसन जो इम्तहानी मराकज हैं बच्चे वहाँ पे विदाउट वैक्सीनेशन जा रहे हैं। कमेटी कैसे बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे हैं जो 18 प्लस हैं और वो इम्तहान देने जा रहे हैं लेकिन हाँ, उनके लिए 18 प्लस से देखिए अभी तक जो इम्तहान हुए हैं वो मैट्रिक तक के हुए हैं और इंटर के हुए हैं, तो मोस्टली जो एज ग्रुप होता है वो 16 से 19-20 तक होता है और जो उसमें 19-20 होती है वो एज ग्रुप बहुत थोड़ा होता है, मैक्सिमम 18 होते हैं। इसके अंदर एक जो क्वेश्चन आपने अरेस्ट किया मैं इसको एनसीओसी सर यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात की जाती है, पंजाब ने फेडरल ने कहा है कि वो तमाम तर बच्चे जैसे कि बाकायदा ये कहा गया था कौमी असम्बली इजलास में कि बच्चों को 3 माह मजीद दिए जाएंगे इम्तहान देने के हवाले से। अब 3 माह बाद ये बताइए कि फेडरल ने ये कह दिया कि हम उनकी जो सप्लीमेंट्री नहीं लिखा जाएगा उनके रिजल्ट कार्ड के ऊपर, पंजाब ने और दीगर सूबों ने कहा है कि हम सप्लीमेंट्री ही लिखेंगे, बच्चे ये सवाल करते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें सप्लीमेंट्री क्यों करा दिया जा रहा है। यूनिफॉर्म के हवाले से आपने बात की है, ये बता दीजिए सिंध ने कायदा ये ऐलान किया है कि वो तमाम सर बच्चे जो पेपर दे रहे हैं कोविड के दोनों में उनको हम पास कर देंगे सबको, क्या ये पॉलिसी फेडरल और पंजाब में भी इसी सवाल यूनिवर्सिटीज को क्या कोई डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो सर यूनिवर्सिटीज को कोई डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो लेट एडमिशंस हैं उनको वो किस तरह टैकल करेंगे, क्योंकि बच्चा नवंबर के बाद जाता है उसको यूनिवर्सिटीज किस तरह से एडमिशन देंगी, साल जाया तो नहीं हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज ही नेशनल असेंबली की जो कायम कमेटी बराए तालीम है उसका इजलास था और उसकी सदारत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव एमएनए स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन सीडी अफेयर्स इसके साथ साथ फेडरल बोर्ड के जो मेंबर हैं अली नवाज़ अवान साहब वो जी सदारत कर रहे थे और जो आपको पता है इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक बच्चे के साथ जाती हुई थी तो उस केस को वो टेक अप कर रहे थे, उस हवाले से खसूसी जो है ये सब कमेटी का इजलास था और वहाँ पर जी बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बड़े बड़े जो हैं वो बुलंदोबांग दावे कस्में और वादे इसके साथ साथ बातें की जा रही थी बच्चों की फलाह के हवाले से, बेहतरीन तालीम के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेज़ और स्कूल्स में बेहतर निज़ाम तालीम और इम्तहान के हवाले से बेहतरीन माहौल फराहम करने के हवाले से बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। उसके बाद जी मैंने जो ही इजलास ख़त्म हुआ मेरी जो हैं सदारत कर रहे थे अली नवाज़ अवान साहब उनसे बात हुई और 5 बुनियादी जो सवालात थे 5 या 4 सवालात वो मैंने उनके सामने रखे। सबसे पहले मैंने जिनसे ये पूछा कि मुझे ये बताइए कि जो आप ये ऐलान कर रहे हैं कि मुल्क भर में जो वैक्सीनेशन है उसका जो आगाज़ किया गया है उस मुहिम को तेज़ भी किया गया है और कुछ माह तक जो है वो बाकायदा हर शहरी के लिए जो वैक्सीन होगी वो लाजमी होगी और इस हवाले से एनसीओसी ने यह भी कहा है कि तमाम तो रेलवे स्टेशन पे और रेलवे का सफ़र करने के लिए जो वैक्सीनेशन है वो भी लाजमी करा दी गई है। मेरा सवाल ये है कि जो बच्चे इम्तहान देने जा रहे हैं या जो स्कूल जा रहे हैं क्या उनको ख़तरा नहीं है, उनके लिए वैक्सीन क्यों लाजमी करार नहीं दी जा रही, इस पर उनकी जानिब से बाकायदा एक जवाब दिया गया। दूसरा मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये बताइए कि यूनिफॉर्म पॉलिसी के हवाले से आप बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री की जो बात है बाकायदा फेडरल ने तो कह दिया कि जी हम सप्लीमेंट्री का टैग नहीं लगाएंगे, बच्चों को रिलीफ दिया जाएगा, सेकेंड साइकिल के एग्ज़ाम्स होंगे 3 माह बाद। अब ये बताइए कि जो पंजाब सिंध बलूचिस्तान केपी है वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके जो इम्तहान होंगे 3 माह बाद जो कि इम्तहान नहीं दे पाए जिसमें यकीन उनका कोई कसूर भी नहीं है, अब ये बताइए कि उनकी जो उनकी गलती क्या है कि उनके जो रिजल्ट कार्ड होगा उसके ऊपर सप्लीमेंट्री लिखा होगा, ये सवाल भी मैंने पूछा जिस पर उन्होंने बड़ा मुनासिब जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम मामले को टेकअप कर रहे हैं। अच्छा जी तीसरा जो अहम सवाल मैंने उनसे वो ये पूछा कि जी ये बताइए कि जो इम्तहानात के हवाले से आप कह रहे हैं कि सिंध ये कह रहा है कि हम सबको पास करेंगे, क्या बाकी वफाक पंजाब केपी बलूचिस्तान क्या वो भी सबको पास करने जा रहे हैं, बच्चों को रिलीफ देने जा रहे हैं, इस पर भी उनका बड़ा आई डोंट थिंक सो कि बहुत ही अच्छा जवाब था लेकिन उनका एक जवाब यकीनन ज़रूर आया। और आखिर में मैंने उनसे ये पूछा यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बताइए क्या यूनिवर्सिटीज़ को कोई डायरेक्शंस दी गई हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्या किया है। अब ये सब कुछ तो मैं आपको ज़ुबानी कलाम में बता रहा हूँ लेकिन मेरी उनसे बाकायदा बात हुई है, अब उन्होंने क्या जवाब दिए और किस तरह से उन्होंने आपके इन आंसर्स को आपके इन क्वेश्चंस को सॉरी आंसर किया और उनके इस मामले पर क्या उनके कमेंट्स थे ज़रा आप ये मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। फैसला किया है कि तमाम तर जो रेलवे स्टेशन पे वैक्सीनेशन के बगैर इजाज़त नहीं होगी, तालीमी इदारों में जो है वैक्सीनेशन को क्यों लाजमी करा दिया जा रहा है, खसूसन जो इम्तहानी मराकज हैं बच्चे वहाँ पे विदाउट वैक्सीनेशन जा रहे हैं, कमेटी कैसे डिस्कस करेगी? डिपेंड करता है कि उनकी एजेस क्या है, अगर अब दुनिया में जो अभी तक वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है तो एक दवाई है जो फाइजर है जो रिकमेंडेड है फॉर 12 to 16 आई थिंक सो, उससे बगैर तो अभी तक कोई रिकमेंड ही नहीं हुई ना, तो दुनिया की डाटा के अलावा तो आप काम नहीं कर सकते, जिस तरह दुनिया बिहेव करी आपने वैसे ही बिहेव करना और सारा डाटा एनालिसिस होता है।
उसके बाद हमने जो अपने जो टीचर्स हैं, जो इन्वेजिलेटर्स हैं, वो भी मोस्टली टीचर्स होते हैं, हमारे जैसे पुलिस है, ये सब कौन है, फ्रंट लाइन है, जो फ्रंट लाइन पे जो जो ऑपरेट कर रहे हैं वो ऑल ऑफ देम वैक्सीनेटेड। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस पूरी वैक्सीनेटेड हो चुकी है, हमारे पूरे एफडी के जो टीचर्स हैं वैक्सीनेट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल का जितना डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ है वो वैक्सीनेट हो चुका है। इवन इस्लामाबाद में तो हम 50% अबव चले गए वैक्सीनेशन की। तो बात करने का मकसद ये है कि जो लोग हैं जो मेनली सामने खड़े हैं, जो जंग कर रहे हैं कोविड के खिलाफ, वो सारे वैक्सीनेट हो चुके हैं। अब ये दूसरी तरफ जो सवाल है बच्चों का, अभी तक जो दुनिया का डाटा है वो भी रिकमेंडेड है फाइजर जो 12 से 16, उसके अलावा अभी तक कोई दवाई रिकमेंड नहीं, कोई इस तरह का डाटा नहीं आया, तो हम अपने बच्चों की जान दूसरी तरह खतरे में नहीं डाल सकते। बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे हैं जो 18 प्लस हैं और वो इम्तिहान देने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए 18 प्लस से देखिए अभी तक जो इम्तिहान हुए हैं वो मैट्रिक तक के हुए हैं और इंटर के हुए हैं, तो मोस्टली जो एज ग्रुप होता है वो 16 से 19-20 तक होता है, और जो उसमें 19-20 होती है वो एज ग्रुप बहुत थोड़ा होता है, मैक्सिमम 18 होते हैं। इसके अंदर एक जो क्वेश्चन आपने अरेस्ट किया, मैं इसको एनसीओसी से यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात की जाती है, पंजाब ने फेडरल ने कहा है कि वो तमाम तर बच्चे, जैसे कि बाकायदा ये कहा गया था कौमी असम्बली इजलास में कि बच्चों को 3 माह मजीद दिए जाएंगे इम्तहान देने के हवाले से, अब 3 माह बाद ये बताइए कि फेडरल ने ये कह दिया कि हम उनकी जो सप्लीमेंट्री नहीं लिखा जाएगा उनके रिजल्ट कार्ड के ऊपर, पंजाब ने और दीगर सूबों ने कहा है कि हम सप्लीमेंट्री ही लिखेंगे, बच्चे ये सवाल करते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें सप्लीमेंट्री क्यों करा दिया जा रहा है, यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों? पे बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी चीखती है, तो एजुकेशन उन्होंने डिवॉल्व कर दिया है, मैं आई एम द मेंबर ऑफ द फेडरल बोर्ड एज वेल, डायरेक्टर जो उनके बोर्ड मेंबर्स है उसका मेंबर, और देखें ये सप्लीमेंट्री नहीं है। अब मैं किसी वजह से एक वबा है जो इंटरनेशनल वबा में इम्तिहान नहीं दे सका, और मैं 3-4 एक स्पेशल एग्जाम दे रहा हूँ ताकि वो लोग जो इस वक्त इम्तिहान नहीं दे सके वो उस इम्तिहान में बैठ जाए, और उनके ऊपर मैं उनकी मार्कशीट के ऊपर या उनके रिजल्ट कार्ड के ऊपर सप्लीमेंट्री ज्यादती है। तो हमने इसको इस्लामाबाद की हद तक खत्म कर दिया, पंजाब की हद तक हमने उसके बात कर ली है, वो भी इसका एक स्पेशल एग्जाम लिख सकते हैं इसको, इसको सप्लीमेंट्री मत लिखें, ये तजीक है उन लोगों जो कोविड की वजह से वो बच्चे जो एग्जाम नहीं दे सके उनके लिए आप उनके रिजल्ट कार्ड के ऊपर सप्लीमेंट्री का तो वर्ड ही गलत है, वैसे भी नहीं होना चाहिए, तो इसको हमने टेकअप किया हुआ पंजाब से। पर देखो ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, आपने एक चीज देखी होगी पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स बंद है, सिंध के अंदर खुले थे, क्योंकि सिंध के अंदर उस वक्त जो कोविड की परसेंटेज थी वो कम थी, तो उन्होंने फैसला किया कि कोविड की जो परसेंटेज है वो कम है तो हम स्कूल खोले रखेंगे। कई दफा ये होता है कई जगह स्कूल बंद हो जाते हैं, सिंध में इस वक्त बंद है और लेट्स सपोज बंद हो जाएंगे क्योंकि परसेंटेज ज्यादा चलेगी कोविड की, और पंजाब में कम तो पंजाब में खोल जाएंगे। तो ये तो इस एरिया से रिलेटेड है कि किस एरिया में ज्यादा है उससे रिलेटेड उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिंध के हवाले से आपने बात की है, ये बता दीजिए सिंध ने बाकायदा ये ऐलान किया है कि वो तमाम सर बच्चे जो पेपर दे रहे हैं कोविड के दोनों में उनको हम पास कर देंगे सबको, क्या ये पॉलिसी फेडरल और पंजाब में भी उनके लिए? देखिए डिवॉल्व सब्जेक्ट, मैं ये समझता हूँ कि आप वो बच्चा उस वक्त तक वो जो पूरा एक साल जो पढ़ता है उसको जो वो समराइज कर सकते हैं, जब तक तो वो टेस्ट नहीं देगा वो चीज वो उस लेवल तक पहुंच नहीं सकेगी, वो बच्चा आप उनके एग्जाम नहीं ले रहे बच्चा ऑटोमेटिकली पीछे जा रहा है। कोविड के ऊपर एक सर्वे आया है कि जो आपने वर्चुअल लर्निंग की है उसकी वजह से जो आम बच्चा आम जगह जो खुद जाके स्कूल अटेंड करके पढ़ता था और जो वर्चुअल लर्निंग पे आ गया वो 2 साल पीछे चला जाता है बच्चा। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा पीछे भी ना जाए, उसके एग्जाम्स भी हो, और हम दुनिया क्योंकि अब Nobody knows COVID का खत्म होना है, तो इस तरह ये तो नहीं हो सकता कि आप हर दफा कोविड को सामने रख के लोगों को प्रमोशन देते रहे, ये है कि हमने आप कोविड के साथ जिंदा कैसे रहना, हमने उसके ऊपर काम। आखिरी सवाल, यूनिवर्सिटीज को क्या कोई डायरेक्शंस दी गई है कि वो सर यूनिवर्सिटीज को कोई डायरेक्शंस दी गई है जो लेट एडमिशन है उनको वो किस तरह टैकल करेंगे, क्योंकि बच्चा नवंबर के बाद जाता है उसको यूनिवर्सिटीज किस तरह से एडमिशन देंगी, साल जाया तो नहीं हो जाएगा, साल किसी का बच्चे का जाया नहीं होगा, तो किस तरह आपने डायरेक्शंस दी है कोई यूनिवर्सिटीज को? सिंपल एज दैट, देखिए इसलिए हमने स्पेशल एग्जाम्स लगवाए, स्पेशल देखें इन ये जो स्पेशल एग्जाम्स है जिन्होंने इवन बाहर भी पढ़ने जाना उनके लिए भी बहुत सहूलत हो गई। अब जैसे जैसे सिचुएशन सामने आती जा रही वैसे वैसे डिसीजंस होते हैं। थैंक यू सर। आप सुन चुके हैं जी, ये थे अली नवाज जवान साहब जो कि इंतहाई एक्टिव मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी बात सुनी जाती है बाकायदा, इनकी जो है बात की वेटेज होती है, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जी जो वैक्सीन का मामला है वो एनसीओसी को बाकायदा लिखेंगे, एनसीओसी को इस मामले में बाकायदा वो आगाह करेंगे कि बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो भी करवाई जाए, ताकि जो बच्चे मौत के मुँह में जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं तमाम तरह इम्तहानी मराकज़ में जाके वो बच्चे बैठ जाते हैं पेपर देने, और बाकायदा उनको ना उनकी वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन हुई भी होती है ना, उनका कोरोना टेस्ट हुआ हुआ होता है। मुझसे बहुत से बच्चों ने अप्रोच मुझे किया और उन्होंने मुझसे रब्ता किया और बताया कि जी मुझे जो है वो कोविड के सिम्टम्स मौजूद हैं। यानी कई बच्चों को कोविड की सिम्टम्स मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी मजबूरी है कि वो पेपर देने जाएंगे। इसके अलावा जी उन्होंने ये भी यकीन दहानी करवाई है कि तमाम तर बच्चे जो हैं वो सप्लीमेंट्री का जो मामला है वो समझते हैं खुद कि ये एक ज्यादती है, सप्लीमेंट्री का टैग नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ ये ज्यादती हुई। और उन्होंने कहा है कि हम पंजाब को और बाकी सूबों को भी मामला हमने टेकअप किया हुआ है और हम ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं और देर इज़ अ होप कि हो सकता है कि पंजाब भी इन फेडरल की तर्ज पे सप्लीमेंट्री का जो वर्ड है वो हटा दे। ये इनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं। आखिर में जो तमाम बच्चों को पास करने के हवाले से सवाल किया तो उसमें उनका यकीनन एक नेगेटिव, नॉट वी कैन से नेगेटिव, लेकिन वो जवाब नहीं था व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग बेसिकली हमारे हक में होगा। इस तरह से उनका जवाब था कि तमाम बच्चों को पास करने की जो पॉलिसी है दैट्स नॉट करेक्ट। अच्छा, अब आखिर में यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से उनका कहना है कि बच्चों का साल बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा और वो बार बार सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स को स्पेशल एग्ज़ाम का नाम दे रहे हैं और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि बच्चों का जो साल है वो ज़ाया नहीं होगा और बच्चों के एडमिशन जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। उन्होंने डायरेक्शन जारी की हुई हैं और अभी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है तो दे विल मेक श्योर कि तमाम तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बच्चों का जो दोबारा एग्ज़ाम होने हैं अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में उस पर जी जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद भी बच्चों को मौका मिलेगा कि बच्चे तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकें। मैं कोशिश करता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पे, आज मैं चेयरमैन फेडरल बोर्ड के पास जाना था लेकिन उनकी मसरूफियत थी तो मैं जा नहीं सका, तो मैं कोशिश करता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए, आपकी फलाह के लिए या आपके इम्तहानात को मज़ीद आसान बनाने के लिए, क्योंकि कैंसिलेशन तो नहीं होने जा रही। अब हो क्या सकता है कि इम्तहान के नतज आने के बाद का जो स्टेटस है उसको बेहतर बनाया जा सके, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद के जो स्टेप्स हैं टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी या टुवर्ड्स योर मेडिकल कॉलेज और जो बच्चे मज़ीद जो भी करना चाह रहे हैं उसको मज़ीद आसान बनाया जा सके, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद में बैठ के मैं बजाय खामोश बैठने के किसी न किसी को अप्रोच करता रहूँ, उनके इल्म में लाता रहूँ। कमेटीज़ की बड़ी पावर्स होती हैं, कमेटीज़ के बाद डायरेक्शन होती हैं, कमेटीज़ बाकायदा आज SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद, DGFIS के साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन और रेक्टर जो हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ के उनको बुलाया गया था, उनसे जवाब तलबी की जा रही थी। तो इस तरह कमेटीज़ जो हैं नेशनल असम्बली की, सेनेट की, उनके पास बड़ी पावर्स होती हैं जवाब तलबी की और उनकी सजेशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि हम इस मामले को टेकअप करेंगे। और बाकायदा यकीनन अगर देखें इरफान सिद्दीकी जो थे वो चूँकि अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी जो गुजारशात थी या उनकी जो तजावीज़ थी उनकी वेटेज वो नहीं थी, लेकिन अली नवाज़ अवान जो हैं वो चूँकि ताल्लुक़ रखते हैं हुकूमत जमात से और इंतहाई एक्टिव मेंबर हैं, इसके साथ साथ दिलीप अब्बास भी मेंबर हैं, इसके साथ साथ शफकत महमूद साहब भी इस कमेटी के मेंबर हैं और दिगर अहम शख्सियात भी मेंबरान हैं, तो इनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो इस मामले पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, गवर्नमेंट खामोश नहीं बैठी हुई, लेकिन हमें चूँकि नहीं पता तो हम अपने मन में उठने वाले सवाल के जवाब खुद ही खुद को दे रहे हैं और ख़ुद को वी आर पुटिंग इन ट्रबल और हमें हम खुद को परेशान कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा और हमारा पता नहीं क्या बनेगा फ्यूचर का। तो ऐसा नहीं है जी, अल्लाह से उम्मीद कीजिए और अल्लाह ही इंशाल्लाह आपका बेहतर कर सकता है, वो आपसे बेहतर छीन लेता है। आप परेशान हो जाते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ, भाई मेरे साथ यह क्या हो गया, अच्छा भला तो था सब, फिर वो आपको बेहतरीन दे देता है, फिर हमारा ईमान मज़ीद मजबूत हो जाता है। अल्लाह के करनी ऐसी होती है, 70 माओं से ज़्यादा वो प्यार करता है और वो इसी तरह करता है, लेकिन उसके काम हम समझ नहीं पाते। तो जो होगा बेहतरीन होगा आपके लिए इंशाल्लाह, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, इम्तहानात में अच्छे नंबर्स लें, जितनी मैक्सिमम आपकी एफर्ट्स हैं उनको पुट कीजिए और दुआ कीजिए, नमाज पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए आपके लिए जो हो बेहतर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।